अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, समर्पित लोग, देश के कहे जाने वाले, तुम्हें कुछ आंखों में शर्म तो रही होती है। कहते हैं कि हम देश के भक्त हैं, महंगाई इतनी ला दिए, बेरोजगारी इतनी ला दिए, मोदी से झूठा कौन है। 1000 झूठ गिना रहा हूँ। इन्होंने जितना कहा है सब झूठ कहा है। महंगाई कम की है, बेरोजगारी कम की है, भ्रष्टाचार कम की है, सब चीज एक गूगल उठा के सर्च कर लेना। दुनिया के सबसे ज्यादा झूठे जो है माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हम बुलेट प्रूफ पहन करके अपनी जान नहीं बचाना है, हमें दुश्मन के सीने में गोली दाग देना है। अगर हम भारतवर्ष के बेटे हैं तो हरगिज डर नहीं सकते हैं। हमको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकते हैं। जो कायर होकर के दुश्मन के सामने सर झुकाता है, मर जाऊंगा लेकिन उनको नमन कर नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लेते हैं। कितने भ्रष्टाचारी हैं, कितने दुराचारी हैं, कितने बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में। देश की जनता प्रधानमंत्री चुनती है, चौकीदार नहीं चुनती है, तपस्वी नहीं चुनती है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिर से मौजूद हैं फूलचंद यादव। काफी वायरल हैं, क्या कहेंगे जिस तरीके से पुलवामा में 3 जवानों की शहीदी हुई है और प्रधानमंत्री उस वक्त जश्न मना रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? आदरणीय पत्रकार महोदय, हमें बड़ा कल दुख हुआ। हमारे जब देश के 3 जवान कर्नल, मेजर और DSP शहीद हो गए, ये पाकिस्तान की वजह से, ये पाकिस्तान की वजह से, उसकी घिनौनी हरकतों के वजह से, घुसपैठ होने की वजह से हमारे सेना के जवानों पर हमला करके मौत के घाट उन्होंने उतार दिया। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। शोक संतप्त परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नहीं होना चाहिए। कड़ी भर्त सेना के साथ कहूँगा, उधर हमारे कश्मीर में जवान शहीद होते हैं, इधर हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उस वर्षा करा रहे थे। कम से कम थोड़ी सी आंखों में शर्म होनी चाहिए थी। कम से कम इस प्रोग्राम को रद्द कर देते या शोक श्रद्धांजलि अर्पित करते। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, समर्पित लोग, देश के कहे जाने वाले, तुम्हें कुछ आंखों में शर्म तो रही होती है। पाकिस्तान में तुझे बता देना चाहता हूँ, कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। पाकिस्तान सुन ले, कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है, ये रण चंडी माँ दुर्गा है, मत समझ हीना रंबानी है। जिस दिन हम चाहेंगे तेरा गर्व गुमान नहीं होगा, सेना ने अगर ठान लिया तो पाकिस्तान का नाम निशान नहीं होगा। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, उसको औकात दिखा दी, फिर ये कैसे हो गया, ये अंदर घुस के और ये घुसपैठी कैसे हो गई? मैडम जी सुन लीजिए, आप सेना को इतना मत रोको कि सैनिक बागी हो जाए, सेना को इतना मत रोको कि सैनिक बागी हो जाए, इतना लहू मत छूटो कि मौसम फागी हो जाए। जिस दिन सेना ने चाहा, ये गर्व गुमान नहीं होगा, भारत तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। इनको खुली छूट दे दो, दुश्मन को खंजर भोंके और पड़ोसी के झोली में उनके सिर जाके सौंपे, तब जाके ठंडा होगा, झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद करेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, ठीक है, और पड़ोसी याद करेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। अरे हम बार बार सहते रहे, आप बताइए आतंकी कैसे घुस आते हैं लाहौरी दरबारों से, लगता है कुछ चूक होती है, अपने ही पहरेदारों से इतना लहू नच बहता, जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं तब से इतना लहू चौकीदारी हुई है, तब से इतना लहू ना बहता, इतना लहू ना बहता। अगर हम पहले दे देते ऐसे बात जवाबों का, ऐसे हाल जवाबों का, इतना लहू मत छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। मोदी जी इनको खुली छूट दे दो। अरे हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौ लगा बैठे, शांत शांत के चक्कर में आधा कश्मीर गंवा बैठे। इसलिए मैं कहूँगा हमारे सेना को मजबूत होना चाहिए, हमारे जवान को मजबूत होना चाहिए, नए आधुनिक हथियार दिया जाए। आए दिन हमारे जवान शहीद होते रहते हैं, हमारे जवानों के हाथ में ऐसे पिस्टल, राइफल, 3 गन 3 R3 ऐसी होनी चाहिए, दुश्मन के हथियारों से ज्यादा मारक क्षमता हमारे देश के जवानों को होना चाहिए, वो वहाँ पर दिखाई पड़े। यहीं से जवानों के लिए काम किया है, कई सारे राइफल्स और दिए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट दे दिया जवानों को। बुलेट प्रूफ से हमारी सुरक्षा होगी, हमें मारना है दुश्मन को, हमारी मारक क्षमता 500 मीटर की है, उनके पास 2000 मीटर की क्षमता है, तो हमारे अस्त्र शस्त्र मजबूत होना चाहिए ना।
हम बुलेट प्रूफ पहन करके अपनी जान नहीं बचाना है, हमें दुश्मन के सीने में गोली दाग देना है, आतंकवादियों के सीने में गोली दाग देना है हमारे सेना के पास। फिर बदला लिया जाएगा पुलवामा और इन सारी चीजों का जो बदला लिया गया था लिया जाएगा। आजादी के बाद हमेशा युद्ध रहा, 1948, 1962, 1967 का युद्ध पाकिस्तान से होता रहा, धूल चटाते रहे, आए दिन वो अपनी छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अगर हमारे सेना के जवानों के हाथ में ऐसे मोर्टार, ऐसे राडार, ऐसे हथियार दे दिया जाए कि एक बार में ही पाकिस्तान ध्वस्त हो जाएगा, वो अपनी गंदी और छिछोरी हरकतों से नस्तनाबूत हमारे देश के जवान कर देंगे। अफसोस है, रोक कौन रहा है? रोक कौन रहा है? देखिए, एक जब से देश आज़ाद हुआ है आए दिन छुटपुट हमला हुआ है। कितनी विडम्बना की बात है कि इस 9 साल में हमारे देश के कितने जवान शहीद हो गए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश के सिपाही नौजवान सेना में भर्ती होने के बाद रिटायर हो और 3-3 गोल्ड मेडल, 4-4 गोल्ड मेडल लेकर के मेडल ले आए, इनके कंधों पर स्टार लगा रहना चाहिए। लेकिन आज बेचारे 2-4 साल की सर्विस करते ही जो है सेना पर शहीद हो जाते हैं। हर भारतवासी को गर्व होता है, अगर यही नहीं ठीक से रहे, सुरक्षित नहीं रहे हमारे देश के जवान, हमारी सुरक्षा क्या होगी, हमारे देश की सुरक्षा क्या होगी, किसान कैसे सुरक्षित रहेंगे, महान बेटियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगे। आज मैं पूछता हूँ, जब से आए मोदी जी आपको महंगाई के नाम पर भारत की जनता ने वोट दिया, कभी आपने महंगाई कंट्रोल करने बोला? लेकिन आप 92 देश, 6 महाद्वीप, 21,000 करोड़ रुपए खर्च कर डाला केवल घूमने में। कहते हैं कि हम देश के भक्त हैं, महंगाई इतनी ला दिए, बेरोजगारी इतनी ला दिए कि आज लोग एज ओवर हो जा रहे हैं, कोई फार्म भरने के लायक नहीं है, अच्छी अच्छी नौकरी करने वाले लोग घर पर हैं। अगर हम भारतवर्ष के बेटे हैं तो हरगिज डर नहीं सकते हैं। हमको मालूम है कि मरने के पहले मर नहीं सकते हैं। जो कायर होकर के दुश्मन के सामने सर झुकाता है, मर जाऊंगा लेकिन उनको नमन कर नहीं सकते हैं। सच बोलो, सत्य बोलो, जो बोलता हूँ यही तथ्य भी है और सत्य भी है, यही आधारित है, लोकतांत्रिक शब्द है। सबसे बड़ा सच्चा कौन है? मोदी? मोदी से झूठा कौन है? 1,000 झूठ गिना रहा हूँ। इन्होंने जितना कहा है सब झूठ कहा है। महंगाई कम की है, बेरोजगारी कम की है, भ्रष्टाचार कम की है, सब चीज एक गूगल उठा के सर्च कर लेना, दुनिया के सबसे ज्यादा झूठे जो है माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। भ्रष्टाचार कम कर दिया, घुसखोरी सब खत्म हो गया। अरे मैम आपको नहीं पता है, गारंटी दी है मध्य प्रदेश में कि मोदी की गारंटी है भ्रष्टाचारी भक्से नहीं जाएंगे। 2 दिन बाद जो है महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले लेते हैं। कितने भ्रष्टाचारी हैं, कितने दुराचारी हैं, कितने बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी में लेके भ्रष्टाचार खत्म होता है। भ्रष्टाचारियों की जगह जेल होती है, पार्टी नहीं होती है। आपको अपनी स्वच्छ छवि बनानी है, आ जाएंगे तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। क्या विश्वास है, जो पहले चोरी किया है करेगा, या उनको चोरी करने का बढ़ावा दे रहे हैं? अगर आप गलत हैं दंड दीजिए, भारतीय दंड संहिता के अनुसार इसको ये सजा होनी चाहिए, वो जेल में तो अपना सजा करे। एक चोरी करता है 10 रुपए छोटा आदमी तो उसको जेल देते हो, बड़ी चोरी कर रहा है तो आप भारतीय जनता पार्टी में जगह दे रहे हैं, कहाँ का न्याय है बोलो? अरे चौकीदार आदमी है, प्रधानमंत्री चौकीदार है। देश की जनता, आदरणीय पत्रकार जी, देश की जनता प्रधानमंत्री चुनती है, चौकीदार नहीं चुनती है, तपस्वी नहीं चुनती है, फकीर नहीं चुनती है, रेल मंत्री नहीं चुनती है, प्रचार मंत्री नहीं चुनती है, प्रधानमंत्री की एक अलग गर्मी होती है। आज हमारे देश की बदनामी कितनी दुनिया में हो रही है कि देश की आबादी बढ़ी हुई है, 80 करोड़ लोग भूखे हैं जिनको सरकार राशन दे रही है। राशन देना बंद करें, जो उचित पात्र हैं उनको राशन दिया जाए, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर न किया जाए, देश के खाद्यान्न पदार्थों को उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार इसके लिए कदम उठाए कि भुखमरी से देश बदहाली से ऊपर उठ करके आए। ये हमारे देश की बदनामी दूसरे देश में हो रही है। क्या G20 में दूसरे देश के लोग आए उनको नहीं मालूम है कि भारत में इतने गरीब लोग हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है? देश की छवि अच्छी जा रही है, बताइए। देश की जनता से पूछता हूँ, ऐसा काम होना चाहिए? कभी ऐसा किसी देश में होता है कैसे 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाए, काम ना दिया जाए? डाटा सरकार के पास है, डाटा निकाल करके उनको काम देना चाहिए। तमाम बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, आप बताइए क्या सही क्या गलत है, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए खास है। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।